एनआईटी उत्तराखंड में परिसर में अव्यवस्था के खिलाफ पखवाड़े भर से आंदोलन कर रहे करीब 900 छात्र छात्राओं ने मंगलवार को एक साथ कैंपस छोड़ दिया है। छात्रों ने अपने फैसले की सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत तमाम शीर्ष पदाधिकारियों को भेजी है और बताया जा रहा है कि अव्यवस्थाओं से खफा छात्र पिछले पखवाड़े भर से इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कोई सुनवाई नहीं होने पर परिसर छोड़कर अपने घरों को चले गए हैं। छात्रों ने स्थायी कैंपस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने पर ही वापस लौटने की घोषणा की है। वही एनआईटी प्रबंधन का कहना है कि इस पूरे मामले पर मंत्रालय को प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। इधर एनआईटी प्रशासन कैंपस छोड़कर गए छात्रों को मनाने में जुट गया है। प्रशासन ने इस संबंध में मेल और फोन के जरिए छात्रों और उनके परिजनों से बात की है। एनआईटी प्रशासन का कहना है कि आग्रह के बाद भी अगर यदि छात्र नहीं लौटे तो नोटिस भेजा जाएगा। दरअसल एनआईटी के छात्र कैंपस शिफ्टिंग के लिए आंदोलित है। बीते 3 अक्टूबर को एनएच पार करते समय एनआईटी की 2 छात्राओं को एक कार ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मैक्सिमम लोग घर जा चुके हैं क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे सुनी नहीं है। अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स आया नहीं उनकी तरफ से, तो स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग कॉलेज छोड़ के अपने अपने घर जा रहे हैं। जब हमारी मांगे पूरी होगी तभी हम वापस आएंगे। हमारी मांग थी कि हमें एक अच्छी फैसिलिटी जो नेशनल लेवल के कॉलेज में होती है वो सभी मिले और हमारा स्थायी कैंपस शिफ्ट हो और हमें परमानेंट लैंड दी जाए। हम सब ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम कॉलेज वापस नहीं आएंगे। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के MHRD के अंडर सेक्रेटरी भी आए मिस्टर के राजन। उन्होंने लिख के एश्योर भी किया कि 13 महीने में आपका इतना कैंपस तैयार हो जाएगा परमानेंट कैंपस में कि आप रहने लायक वहाँ पे फैसिलिटी हम जनरेट कर लेंगे और आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, उस बात का आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अभी कहीं कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सुनवाई नहीं करी, एक शब्द हमारा नहीं सुना गया, एक मांग हमारी नहीं सुनी गई, हमसे कोई मिलने तक नहीं आया। सर ऐसा नहीं है, हम सब JEE क्वालीफाई करके आते हैं सर यहाँ, उसके बाद भी अगर आप हमारी बात नहीं सुन पा रहे तो सर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।